सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी पूरे हिंदुस्तान का, वो है सर किसान बिल का। ये जो विरोध कर रहे किसान हैं और सर इतने विरोध कर रहे हैं लगातार किसान, और 26 जनवरी को जो बवाल हुआ सर, लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया सर, काफी कुछ हुआ, आपको लग रहा है कि सर जो किसानों का मांग है वो जायज है सर? नहीं, जो किसान जो कर रहे हैं ये किसान नहीं है जी। ये एक तरह से रखिए कि जैसे आपका महाराष्ट्र में है आपका, या जो जो किसान आया है मान हरियाणा का है, वो किसान नहीं है जी। वो एक तरह से सिंडिकेट चलाने वाला है। असली किसान तो हमारे यहाँ है, असली किसान तो पूरे देश में है, हम भी तो किसान हैं। मैं किसान का भी काम, मैं अच्छा खेती भी करता हूँ और कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ। वह किसान अगर रहता, किसान के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया है वह किसान के हित में कानून बनाया, या किसान विरोधी लोग हैं जो कि किसान के अपने हित की बात कर रहे हैं, वह किसान विरोधी हैं। वह जनरल किसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वह अपने कि हम कैसे इसमें सिंडिकेट चलावे, हम कैसे पूंजीपति बने। कुछ ही लोग इस तरह से कर रहे हैं। असली किसान तो रहता तो सब जाता, बिहार से भी किसान जाता, हर जगह से जाता, क्यों नहीं बिहार में चला किसान आंदोलन, झारखंड में क्यों नहीं चला और सब स्टेट में क्यों नहीं चल रहा है? ये तो वही देखिएगा आप, वहीं पर उसी थोड़ा सा उसी जगह का अगल बगल का, वह किसान नहीं है, वह किसान विरोधी है। सर आप ये जो 26 जनवरी को जो हुआ सर, ये पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व में इससे सर ना ये गलत है। ये वो सामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है और ये इसका जितना विरोध किया जाए, जितना अति किया जाए उससे वो कम होगा, या देश के जिस जो जिसको हम भारत माता कहते हैं और जिस देश में रहते हैं उसके साथ इस तरह से किया गया है, ये गलत काम किया गया है। सर एक एक वही हिंदुस्तान है सर जहां लोगों ने अपने सर कटवा दिए, अपने गर्दन कटवा दिए यहां की आज़ादी के लिए, यहां के इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, उस तिरंगे का सम्मान करने के लिए सर, और उसी जगह पर जो है इस तरह की घटना हो रही है। नहीं, ये गलत हुआ है, इससे मैं दुख व्यक्त करता हूं, ये बहुत गलत हुआ है और सरकार इस पर तो कार्रवाई करेगी ही, अपना कर रहा जो नियम कानून। सर आपके अनुसार से मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धि है सर, जो वर्तमान में लोगों को भी दिख रहा हो या पूर्व से ही जब से 2014 तो आप हम लोगों का है, सबके साथ, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, हाँ सबका विकास जी। ये हम लोगों के नारा के साथ हम मोदी जी विकास कर रहे हैं। आज धन धन हुआ, आज जन धन हुआ मान लीजिए, और उसके बाद आपका गैस जो है आज गरीबों को मुफ्त दिया गया, जो आज हमारी माँ बहन का आँख खराब होता था, आज गांव में देखिए कि सब गैस का चूल्हा लेकर के अपना काम करती है। जलावन प्रदूषण का कमी, जो प्रदूषण होता था उससे पूरा शरीर खराब होता था, घर का परिवार का पूरा घर खराब होता था, आज इन्होंने किया। दूसरी बात, किसानों के हित के लिए उन्होंने किसान बिल लाया, उन्होंने जिस तरह से 3 तलाक वाली बात था वह कानून उन्होंने पास किया, 370 धारा किया, उसके बाद NRC बिल पास किया, उसके बाद आपको फिर क्या कहते हैं ये आया सर, हाँ आया 3 तलाक हुआ, हाँ राम मंदिर आया, जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया जी, हाँ ये कानून और जो ला रहे हैं वो क्या कहते हैं वो ला रहे हैं कुछ थोड़ा जी, सर एक बात, सर एक सवाल था कि सर 6 साल से लेफ्ट जेहाद है, ये सब कानून जो उन्होंने लाया ये तो जनता के हित के लिए ही लाया, क्या आपको छूटता मन जे एक बहन को एक छोड़ देना, फिर दूसरे बहन से शादी कर लेना, तीसरे बहन से फिर शादी कर, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर यह कानून लाया तो हमारे मुस्लिम भाई के लिए ही लाया, उनके हित के लिए ही लाया। सर एक जो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी ने जो किया है, आज तक देश में आज़ादी के बाद इस तरह का विकास, सबके साथ सबका विश्वास और सबका विकास उन्होंने किया है, या आज तक किसी ने नहीं किया है अभी तक।
और रोज देख रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर ही रहे थे कि देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे बढ़े, हमारे समाज कैसे आगे बढ़े, समाज में कैसे परिवर्तन हो, ये सारी बात को लेकर के हमारे नेता चल रहे हैं। इसी चलते आज हमारे देश का तमाम जनता, तमाम नेता आज उनके साथ में है। आज गरीब गुरबा को आप जाइए, मुफ्त अनाज मिल रहा है। बेचारे कहते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, यहाँ का लोकल लीडर का बहुत नाम भी नहीं जानता कि किसको वोट देना नहीं देना है। वो साफ कहते हैं नरेंद्र मोदी को वोट देना है, नरेंद्र मोदी के साथ हम हैं। ऐसी बात आम लोगों में, आम जनताओं में ऐसी धारणा मैंने है, इस तरह का ऐसा कार्य किया है तब ना। जिसके घर पर जाइए तुरंत देखिए गैस चूल्हा, जो गरीब आज तक गैस चूल्हा देखा भी नहीं होगा, आज भी बहुत आदमी गैस चूल्हा लिया लेकिन जलाने वाला दूसरे को लाता है, जरा जला दो बाबू कैसे जलाता है, फिर बुता दो खाना बनाने के लिए, धीरे धीरे उसी से सीखा। सर 6 साल से मतलब लगातार फिर से जो ये मोदी जी की सरकार है सर, इन दिनों सर नवगछिया की क्या उपलब्धि रही इन बीच में, और एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में है सर, नवगछिया की उपलब्धि के बारे में बताएं सर, नवगछिया की क्या उपलब्धि रही सर? नवगछिया में तो देखते ही रोड सड़क पेड़ा बन रहा है, आपका पुल बना ही, सारा चीज़ बना, विश्वनाथ पुल बना, फिर आपका 4 लेन बन रहा है नवगछिया में, आपका बीरपुर टू बीरपुर जो आपके सामने में यहाँ पर उस दिन शिलान्यास हुआ वह कार्य हो रहा, फिर आपका ये तीनटंगा से जो एक पास किया है आपका बटेश्वर स्थान से इस पार तक यहाँ तक का रेलवे लाइन प्लस रोड का जो सुने हैं हम, जो मुझे जानकारी मिली है, अभी पास नहीं हुआ मैं लेकिन सर्वे उसका चल रहा है, और उसके बाद आपका 4 लेन आपका बरारी से लेकर के फिर यहाँ तक वो भी टेंडर हो ही गया है, शायद उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये सब विकास नहीं है तो क्या है। एक सवाल था सर जो लगातार आपके द्वारा भी मन से कही गई थी और आपने भी कई बार चर्चा की है, वो है कि ढोलबज्जा प्रखंड को लेकर सर, जी ढोलबज्जा प्रखंड कब बनेगा जी? नहीं ये तो बहुत आवश्यक है, हम भी इस पर भी मांग हम रखे हैं उनको, नवगछिया को पूर्ण जिला और ढोलबज्जा को प्रखंड बनाने का, और उसके बारे में सरकार को इसकी जानकारी मिल गई है और वह भी अंदाज है कि वह भी कार्य चल रहा है, अगर जिला बनेगा तो हो सकता है उन्हीं के साथ यह प्रखंड भी बन जाएगा। सर एक दूसरा था कि अब बांध निर्माण जो हुआ सर, वो बांध को बचाने में ही मतलब बांध के निर्माण से लग रहा है जैसे उसके उसके अनुरूप खर्च बचाने में भी उसी अनुरूप हो रहा है सर। बांध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सर जी, जी इसके बारे में बताएं सर, बांध की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर तो वही सर त्रासदी, बाढ़ का त्रासदी आता है और वो हम सभी नवगछिया अनुमंडलवासी दोनों तरफ से झेलते हैं सर, गंगा से और कोसी से जी। बांध के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम तो दियारे में ही रहते हैं और हमारे यहाँ भी देखते हैं कि आपका तीनटंगा करारी से लेकर के इस्माइलपुर तक बांध बना हुआ है, और जिसके चलते आज गोपालपुर ब्लॉक बचा हुआ है, नहीं तो आज गोपालपुर ब्लॉक और तीनटंगा करारी या आपका गोपालपुर थाना विलीन हो जाता गंगा में। ये तो सरकार की देन है जो कि उस बांध के चलते आज बचा हुआ है। अब बचा हुआ इस्माइलपुर से लेकर के वो हाई लेवल तक उस बांध को बनाना है, 7-8 किलोमीटर और बचा हुआ है। उसमें कुछ किसानों की समस्या है जो कि भूमि अधिग्रहण जो किया गया है, कुछ बिचौलियों लोगों के चलते वह रुका हुआ है, वह भी जल्द ही निपटारा कर लिया जाएगा, इस बार वह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और करीब करीब हर जगह देखते हैं कि बांध का कार्य चल रहा है, अभी तक ऐसा नहीं है कि बांध का कार्य नहीं चल रहा, सोने हैं और का बांधे के चलते तो आज बहुत नहीं तो बहुत गांव गंगा और कोसी में विलीन हो जाता। अब महज 10 मिनट का यह लाइव इंटरव्यू शेष रह गया, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो जल्दी से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें और सुन सकें। सर एक सवाल था सर, हाल ही में सर एक ऑडियो टेप प्रकरण हुआ, एक बहुत बड़ा मामला आया बीहपुर और गोपालपुर विधायक के प्रकरण में, जिसमें सर आपके भी नामों की जिक्र है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, आपका नाम का जिक्र क्यों हुआ इस प्रकरण में? देखिए अब जहाँ तक जिक्र जो हुआ हम भी थोड़ा सा सुने हैं जी। और इस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं जी। इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वह तो एक जनप्रतिनिधि हैं और
अच्छे समय तक वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी हैं, और अभी तक वो अगर इस शिक्षा को प्राप्त नहीं किए हैं कि कैसे मुझे बोला जाए, ये तो या तो दल के कुछ नेताओं के कमी की वजह से हो या अपने कमी की वजह, नेताओं की कमी से, सभी नेता तो नहीं सिखाते हैं, नेता का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपनी कमी के कारण ही ऐसा है। अगर आज थोड़ी सी शिक्षा रहता तो जरूर आगे बढ़ करके थोड़ा ये सब सबका नहीं होना चाहिए, लेकिन वो माननीय विधायक है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अगर उसको ऐसा बोलना ही आता है तो बोले, उसके लिए हम कुछ नहीं, इस पर कोई कमेंट हम नहीं करना चाहते हैं। सर एक और चर्चा का है सर, लगातार लोग टीम जो है, हम भी अभी इंटरव्यू के लिए जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग मिले तो बोले किनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो बताए कैसे से अनिल बाबू का इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि वो भाजपा में रहने के बावजूद गोपालपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में नहीं आए, इसका क्या कारण रहा था सर? आप चुनाव में प्रचार में आप नहीं उतरे सर जी? ये जो आपको कहा है उनको समझ में नहीं आया होगा जी, जी। मैं चुनाव प्रचार में मैं गया था जी। अगर चुनाव प्रचार में नहीं गया तो छोटी सी बात आप ले लीजिए, मेरा गांव तीनटंगा करारी है जी। वहाँ जदयू लीड किए हैं कि नहीं किए हैं, मुझे प्रदेश की तरफ से कटोरिया में भी लगाया गया, मुझे प्रदेश की तरफ से कार्यक्रम दिया गया है उस जिसमें कि आपको कटोरिया के अलावा बांका में दो दिन प्रवास किए, दो दिन कटोरिया में किए, उसके बाद भागलपुर में दो दिन किए, उसके बाद फिर कहलगांव में दो दिन किए, फिर उसके बाद मैं पीरपैती में किया प्रवास किया, फिर उसके बाद आपको मुझे वहाँ से खबर आया चाट बन करके हमको पार्टी के प्रदेश से आता था, और जिस जिसके साथ हम घूमते थे और जिससे बात होती थी वह बात, और उसके बाद हम तारकेश्वर जी जो अभी डिप्टी सीएम बने हैं उनके क्षेत्र में गया, आपके पूर्णिया में गया, कोढ़ा में गया, तो उसमें पार्टी के तरफ से निर्देश था कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके प्रवेश जहाँ पर प्रवास आपका हो रहा है उसका शाम में किन किन लोगों से आपने मिला, उसका टेलीफोन नंबर, उससे क्या बात हुई, उसका नाम पूरा पता आप भेजिए। शाम में हम डेली उसको एक घंटा करके पार्टी कार्यालय भेजते थे, वह फिर वहाँ उनसे बातचीत करते थे टेलीफोन से कि आपसे ये मिले कि नहीं मिले, जो हम लोगों का सिस्टम जो था। इतना कार्य करने के बावजूद शैलेंद्र जी के यहाँ हम गए, सुशील जी आए हुए थे उस दिन, हम मंच पर ही बोले थे, अब उनके जदयू के भी लीडर थे कि हम भागलपुर में सभी सीट जो है हम जीत रहे हैं चुनाव एनडीए, हमारी एक सीट हमारी हार हुई है वो जो कि भागलपुर हुई है, और बहुत कम वोट से हम हारे हुए हैं उसमें जी, जी जो कि हम लोग का जितना मेहनत और कुछ करना चाहिए था जिसके चलते नहीं हुआ। अब तो ये तो जो कह रहा कि प्रचार नहीं किए, अब प्रचार तो हम डिप्टी सीएम के साथ बीरपुर में थे जी, हम यहाँ भी आए थे, अब आप हमको नहीं बुलाइएगा तो आपके कहने पर हम तो आपके साथ हम अपना काम करें, तो हम हमारी गाड़ी थी, आप बोले कभी कि हाँ आप आइए या कभी, हम अपने मन से हर जगह घूम रहे थे। सबसे बड़ा छोटा सा उदाहरण, जिस पंचायत में मैं आता हूँ उस पंचायत में आप लीड किए हैं कि नहीं किए हैं, आप गोपालपुर विधानसभा में इतने अधिक वोट से आप जीते हैं कि नहीं जीते हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर एक एक सिपाही आपको मदद नहीं किया है तो आप कैसे जीते? आप तो ये एनडीए में हैं, आपकी पार्टी एमपी का चुनाव भी लड़ा था जिस समय अबू केसर था, आप उस वोट को देख लीजिए, उस वोट को देख लीजिए और अभी के वोट को आप देख लीजिए। हमारी पार्टी संगठित है, हमारी पार्टी में एक दो टो मनांतर हो सकता है उसको मना लेते हैं, लेकिन हमारे दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता उन्होंने सहयोग किया है जदयू को, और यह जीत भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुई है, इनकी ताकत से हुई है। एक सर और एक सवाल था सर कि भागलपुर सांसद का नौगछिया के प्रति चुनाव के बाद से कुछ खास रुचि नहीं है सर, जब भी ये नजर आते हैं किसी जिलाधिकारी के ही कार्यक्रम में नजर आते हैं, इसके अलावा वो उसके बाद वो नौगछिया क्षेत्र नजर ही नहीं आ रहे हैं, जबकि लोगों ने काफी उम्मीद किया था क्योंकि विक्रमशिला सेतु जो है एक बहुत बड़ा पुराना बीमारी के तरह का मुद्दा है सर, जाम लगना, आज भी उसी वही स्थिति हो रही है, कल भी वैसी स्थिति थी सर। अब तो पुल बन ही रहा, तो अब बनवे करेगा पुल, तो वो तो हो ही गया पुल बनने का, वो
वो तो है सर, उसमें भी तो लंबा समय लगेगा। अब लंबा समय कुछ कोई चीज बनाने में आप घर ही बनाते हैं तो समय लंबा लगता है, तुरंत हो जाता है क्या? उसका नक्शा बनता है, फिर जमीन बनता है, जमीन से फिर खड़ा करते हैं, कितना दिन लग जाता है? और उसके बाद लगने के बावजूद भी कहता है 10 दिन रुक जाइए तब ढलाई कीजिएगा, अभी थोड़ा मजबूत उसको जमने दीजिए, तो समय लगेगा ही। अच्छा सर, और एक सवाल है सर, जो मैंने अपने आंखों से देखा वो स्थिति मुझे याद आ रहा है जब आपके चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद आए थे, मदन अहिल्या के उस मंच पर कार्यक्रम हुआ था और चुनावी सभा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे आज भी याद है कि मैंने, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैंने पूछा क्षेत्र में, और रविशंकर जी भी थे, कि मैंने पूछा हेलीकॉप्टर से कि हाँ तो केला बहुत ज़्यादा है तो क्या केला के लिए कोई प्लांट लगाया गया है, उसके लिए केलांचल क्षेत्र है, मक्का की उपजा होती है उसके लिए कुछ है? तो भाजपा अगर सीट सर यहां से नहीं जीत पाई और ये दूसरे खेमे में चला गया तो सर दोबारा किसी का प्रदेश का हो कि केंद्र का हो सर, किसी का नजर यहां के मक्का और केलांचल पर नहीं आया सर? नहीं, ऐसी बात है नहीं है, और केंद्र को भी इस पर नजर है और केंद्र को जानकारी है कि यहां के मक्का और केला का खेती काफी अच्छी होती है, काफी लोग जाते हैं, और इसके चलते उन्होंने इस चीज़ पर सोचा है कि इस पर बहुत जल्दी कोई ना कोई काम शुरू करेगा, कुछ फैक्ट्री ऐसा लगाया जाएगा, इस तरह का ऐसा कर रहा है हमको जो जानकारी मिली है। सर बिहपुर का ग्वारीडी काफ़ी चर्चे में आ गया है बिहार के लिए सर, एक उपलब्धि के जी जी, उसमें सरकार तो कर ही रहा है, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। आपका बिहपुर में नवोदय विद्यालय, उस समय मैं सांसद था या सार बम्बई था, उस समय मंत्री, शिक्षा मंत्री, और आज भी जाकर के रिकॉर्ड देख सकता है, हमने लेटर पैड पर लिख करके दिया था और जाकर के अपने स्पेशल मिले थे कि हमारे यहाँ नहीं है नवोदय विद्यालय, और मेरे अनुशंसा पर वह नवोदय विद्यालय आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खोलवाए हैं, मेरे अनुशंसा पर यहाँ पर हुआ नवोदय विद्यालय आपका। उस समय घोष जी DM थे, जो कि रिकॉर्ड के सामने में क्या हो रहेगा, पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में हम बोले भी थे, उसके बाद हमको टाइम दिया था, हमको मिला था, और उस नवोदय विद्यालय खुलवाने में मेरा काफ़ी सहयोग रहा। शिक्षा इसलिए हमको रुचि रहता है कि मैं खुद शिक्षक हूँ, पढ़ाई लिखाई पर मुझे ज़्यादा ध्यान रहता है, हमारा समाज कैसे, जब तक पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारे समाज में जो गलत रास्ते पर चला जाता है पढ़ाई के कमी के चलते, शिक्षा के कमी के चलते, आज शिक्षा अगर रहता तो आज हमारा समाज गलत रास्ता नहीं पकड़ता, इसीलिए सबसे बहुत जरूरी है हम अपने समाज को शिक्षित करें और उसको आगे बढ़ावें, तभी मेरा समाज विकास होगा, समाज का आगे बढ़ेगा। सर अब बहुत कम समय रह गया है लाइव इंटरव्यू का, सर एक चीज़ सर, आप जब दिल्ली में प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कि जब आपको बारी मिलता था या आप ऐसे लोगों से मिलते थे तो नौगछिया के बारे में बताते थे, तो किस तरह की क्या क्या चीज़ें बताते थे, कैसी क्या उपलब्ध? देखिए नौगछिया के बारे में मैंने उस समय बतलाया था, रेलवे के बारे में भी मैंने कहा था, उस समय जब हम थे तो उस समय रेल मंत्री थे भाई रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, और उनको मैंने कहा था कई बार कि आपके कि यहाँ पर मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर स्टोर रखने का, माल गोदाम रखने का थोड़ा सा उसको अच्छी किया जाए, और स्टेशन पर ऐसा वेटिंग रूम बनाया जाए जो कि व्यापारी लोग आकर के रहता है और रहे कम से कम ही करे, उसके चलते उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से हम गोदाम को अभी विस्तार करेंगे और एक वेटिंग रूम आपको बहुत बढ़िया ऐसा देंगे जो 12 बजे रात में ट्रेन से उतरेंगे, कम से कम ठहरने के लिए उसको व्यापारी को व्यवस्था हो जाएगा, सुबह फिर अपना कार्य करेंगे, जो कि आपको कर दिया गया है यहाँ पे, आप जानते हैं, मैं जाकर देख लीजिए 2 बेड का है। बिल्कुल सर, एक होगा कि ये हमारा व्यक्तिगत ऐसे आपसे जानक, गुलमोहर नौगछिया का हमेशा श्रृंगार किया है, तो बचपन में सर, बचपन से भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे फूल थे जिसको लेकर खेलते थे, अभी के बच्चे वो नहीं नजर आते, गुलमोहर से सर नौगछिया का कुछ रिश्ता है, इसके बारे में बताएंगे, लाल फूल होता है और कहते हैं कि इसके लिए जी इसकी पूरी जानकारी। अच्छा चल, पूरी जानकारी सर, अब हम थोड़े से आपसे बस महज 2-4 मिनट का समय रह गया है सर, आपने जो है बचपन के गुरुजनों को देखा है,
और मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा देर के लिए उस समय में ले जाने के लिए, उस समय क्या होता था सर, कैसा माहौल होता था, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, मेला घूमना, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे लोग इस लाइव इंटरव्यू में जुड़े हुए हैं जो अभी नए, मतलब नए युवा हैं, जिन्होंने आपको सिर्फ नाम से जो जानते हैं या आपको देखा भी है, लेकिन आपके बारे में इतनी गहनता से नहीं जानते हैं कि आपने इन दशक को देखा है, तो उस समय की सर कैसी स्थिति होती? देखिए, उस समय जो हम लोगों को पढ़ाई लिखाई होती थी तो नीचे में बैठ करके जो एक बोरा होता चटाई वह लेकर के जाते थे और उसमें हम लोग नीचे में बैठ करके पढ़ते थे, पढ़ाते थे शिक्षक, और उस समय शिक्षक डांटता भी था और पीटता भी था। अगर मान लीजिए हल्का नींद आ गई तो तड़ाक पकड़ करके एक चमेटा दे देता था, मान लीजिए सरल भाषा, अपना देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो उस समय पढ़ने का भी थोड़ा ललक रहता था और खेल धूप में भी इंटरेस्ट लेते थे। मेला आता था, कहीं छुट्टी का बड़ा दिन आ गया छुट्टी का, तो उसमें काफ़ी खुशी मनाते थे कि अब खेलेंगे, काफ़ी हम लोग कबड्डी खेलते थे बचपन में, थे कबड्डी के राजा कबड्डी कहता था, कभी ये वो कबड्डी होता था, ये सब हम लोग खेलते थे, लेकिन स्कूल में ही खेलते थे, स्कूल में ही शिक्षक खिलाते थे, ऐसी बात नहीं थी कि फिर बड़ा हुए तो फिर वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने का कोशिश किए। आप किस खेल को सर पसंद करते खेलते थे सर? हम जैसे वॉलीबॉल खेलते थे हम उसको ज़्यादा, और राजा कबड्डी जैसे दो घर बनाते थे, ये दो ठो हमको बहुत ज़्यादा पसंद बचपन से ही था। तो पहले के सर, मतलब वो समय को अभी भी लम्हे को याद करते होंगे तो हाँ बहुत बहुत अच्छा लगता, पहले के समय अभी याद करते हैं तो अच्छा लगता। पहले निर्भीक होकर के हर जगह जाते थे पैदल, अब एक सिक्का रहता था अथी लगाने वाला, क्या कहते हैं आपका लोहा जी। का उसको हम लोग देहात में कहते हैं घर को वा कहते हैं जी, पया घुमाने वाला, वो सीख लेकर के हम लोग घुमाते घुमाते वो चले जाते थे कभी कभी बचपन में जी। कुर्सेला जी। कुर्सेला चले जाते थे, एक हमारे मित्र था अभी भी है ये है बेचारे, तो वो नरेश बाबू जो राज्यसभा के जो सदस्य थे वो हम लोगों के यहाँ, वो भी पढ़ते थे, हम लोगों के सीनियर थे, तो उनके यहाँ चले जाते थे, फिर वहाँ से घर का करके चले आते थे। बोलिए कुछ समय के स्टेमिना और अभी के स्टेमिना में कितना अंतर है। तो सर यही चीज ना है कि जो आपने बचपन देखा है सर, जिस तरह से आनंद लिया है वो अभी का बच्चा नहीं देख पाएगा। नहीं, अभी तो बच्चा, अब तो देखिए अभी जो स्थिति है, बच्चा घर से निकलते हैं, माता पिता भी उनको बराबर कहते हैं घर में ही पढ़ो, बाहर मत जाओ, माहौल नहीं है ठीक, ये नहीं है, बहुत बात इस तरह का होता है सब जगह का। और बाहर में भी बचपन होता है, उसको पढ़ाया कॉन्वेंट में डाल देता है, खाली होश आवास आया बस कुछ दिन रहा माँ पिताजी के साथ में, फिर तो हॉस्टल में ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, बच्चे के साथ ही ज़िंदगी बिताते हैं, सब बच्चे के माहौल में ही रहते हैं। अभी सर बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपके मित्र होंगे या आपके सहपाठी रह चुके होंगे, वो भी आपको देख रहे होंगे, उन्हें कोई आप संदेशा देना चाहेंगे जो आपके बारे में जानना चाह रहे थे, आपको इतने देर से सुन रहे हैं, वैसी बातें सुन रहे हैं जो लोग जानते नहीं थे, आपने कभी इतना लंबा कार्यक्रम नहीं दिया था वो भी लाइव प्रोग्राम, उन्हें सर कोई संदेशा देना चाहेंगे? नहीं, उनको देखे बहुत बढ़िया है, बहुत धन्यवाद है, वो तो बात करते ही होंगे कि हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ कैसे रहते थे, सारी चीज को बात करते ही होंगे वो। सर ऐसा कहा जाता है, याद आ गया होगा जी, कि पुरानी कहानी हम जो बोलते हैं उनको पुरानी कहानी याद तो जरूर आ गया होगा, वो समय याद आ गया होगा जो आपके साथ बिताया। सर हमारे इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी यही खासियत है कि हम जो गेस्ट लाते हैं उन्हें हम उनके समय के बारे में भी प्रयास करते हैं उन्हें उस उम्र तक ले जाने का, क्योंकि लोगों को लगे कि ये फ्रेंडली इंटरव्यू है, मतलब ऐसे बातचीत है, कोई ये जोर जबरदस्ती या सिर्फ सवाल जवाब का नहीं है, ये बस एक फैमिली इंटरव्यू, मतलब एक फ्रेंडली इंटरव्यू है। अच्छा सर, अब हम एक लास्ट मंथ में आपको ये संदेशा देना चाहेंगे सर, आम लोगों को, नौगछिया क्षेत्र के लोगों को जी, कोई संदेशा देना चाहेंगे सर आप? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छे समाज बने, हम लोग का भी कोई खास 60-62 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है और हमने जो अनुभव देखा है और पहले और अभी के समय में, तो हम चाहते हैं कि अच्छा समाज बने और अच्छा शिक्षा पावे और अपने जो भी समस्या है अपने जनप्रतिनिधि को पकड़े
और जो भी समस्या है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं हॉस्पिटल से, कहीं किसी चीज़ से, हम तो अपने तरफ से जितना भी बन पाता है सहयोग करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप चले जाइए MLA के यहाँ, चले जाइए MP के यहाँ। हम अपने खुद कोशिश करते हैं कि उस बेचारे की समस्या मेरे द्वारा हल हो जाए। अभी भी मेरी इच्छा होती है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम नए बने हुए, दूसरा बना हुआ उसके पास जाइए, मेरी ये धारणा नहीं रहती है। ठीक है, आप नए गए MLA MP के पास, हमारे लायक जो काम होगा वह हम काम करेंगे। और आज भी मैं जनता से मैं आग्रह करता हूं और उनको संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो भी समस्या हमारे इलाके की है, अगर वह समस्या हमारे लायक है समाधान करने के लिए, तो हम निश्चित रूप से आपकी समस्या को समाधान हम करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे जनता की सेवा करना मेरा सबसे परम धर्म है। हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वह भी देखता है किसी को गरीब को, तो निश्चित रूप से वह बेचारी तुरंत उसको कहता है कि बड़ा गरीब है, कभी हमसे पैसा लेते, कभी हमारा साल भी लेकर के वो अपने गरीब को दे देते हैं, इतना है वो। और देखते यही नहीं, हम जो जब मैं मेरी शादी हुई तो हम गए, एक कुत्ता का बच्चा था, उसका पैर कोई कुत्ता चाँप दिया था, उसको वो खिलाती थी पिलाती थी बढ़िया से, उसको रखता था। अब उसकी माँ मर गई थी, उसको बहुत बढ़िया से सेवा किया। इसी तरह से वो बराबर देखते हैं कि किसी भी जानवर हो या कोई व्यक्ति हो, देखता है तो वो बड़ा कल्पित हो जाती है, काफ़ी हमसे ज़्यादा बढ़ करके सेवा की भावना उसमें जगी हुई है। हमको भी आश्चर्य लगता है, कोई आ जाएगा तो उसको बैठा करके, अच्छा घृणा नाम का चीज़ नहीं है, बहुत आदमी में रहता है घृणा करता है कि कैसे है ये बीमारी वाला, या कैसे इसको छुएंगे, छुआछूत है, यह है वह है, उस सब का भी परवाह नहीं करके हमारी पत्नी एकदम सेवा की भावना से सेवा करती है। आज भी हमारे डेरा पर कोई जाते हैं, आप भी चले जाइएगा, हम नहीं भी रहेंगे, वह एकदम उसी हिसाब से कहेगा, अगर कोई समस्या होगा वह तुरंत टेलीफोन से हमको कहेगा इनका ये समस्या, पहले वो काम करके तब आइएगा यहाँ पर हमारे साथ मिलने के लिए, इस बीच नहीं पहले काम कर दीजिए, फलना का टेलीफोन आया था। ये सब चीज़ है हमारे पत्नी का, हमको आगे बढ़ाने में, समाज सेवा करने में मुझे काफ़ी सहयोग वो कर रही है, मैं इसे पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, कहते हैं सर हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो उपलब्धि, आपकी जो प्रसिद्धि है, लोग जो आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी है। हम इस कार्यक्रम से उन्हें भी यहां से सलाम करते हैं कि आपकी जैसी ही अर्धांगनी जो है वो आदमियों को, जो उनके पति हैं, उनके परिवारजन हैं, जो जिस रूप में हैं, महिलाएं हैं जो जिस रूप में हैं, जो किसी माता के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, आपका कार्य पुरुषों को काफी आगे तक लेकर जाता है, आप स्वयं भी आगे जाती ही हैं, अपने परिवार को लेकर आगे चलती हैं। तो आज के इस लाइव इंटरव्यू में हमारे साथ थे पूर्व सांसद सह भाजपा के नेता अनिल कुमार यादव, और हम बताते चलें कि यह संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू जो प्रत्येक रविवार को संध्या 4 बजे आता है, इसमें हमारे साथ एक अतिथि होते हैं, गेस्ट होते हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, लगातार सवाल जवाब आते जाते हैं, लगातार प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो हम फोन की सर्विस आपको नहीं दे पाते हैं लगातार, और हम चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें, हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक भी करें, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही एक मैं आपको विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि जो लोग लाइव में प्रोग्राम देखते हैं हमारा और कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसकी जानकारी हमारी टीम को भी होती है, और टीम चयन करके परफॉर्मर ऑफ द लाइव इंटरव्यू के नाम से उन्हें सम्मानित करती है। यह लगातार लिस्ट बनता जा रहा है, अभी सम्मानित किया नहीं गया है, जल्द ही रिजल्ट का हम लोग प्रकाशन करेंगे। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और GS न्यूज को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। आज के लाइव इंटरव्यू के समापन पर मैं पुनः एक सब बार सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, लाइव में जुड़ने के लिए सबों को हम धन्यवाद देते हैं, और आज के हमारे साथ कैमरा में है समर्थ, और मैं वरुण बाबुल, धन्यवाद।